हेलो एवरीफ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। क्लास एलेवेंथ में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रीवियस हमने दो वीडियोस अपलोड कर चुके हैं जिसमें मीनिंग हमने पढ़ा था और करेक्टरटिक्स उसके बारे में पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में कि अकाउंटिंग प्रोसेस है वो है क्या। ठीक है, देखिए अकाउंटिंग प्रोसेस में दिख रखा है। देखिए प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस एक प्रक्रिया होती है। अब जब हमने डेफिनेशन पढ़ा था तो डेफिनेशन में भी हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या पढ़ा था, एक प्रोसेस पढ़ा था। बताया था ना मैंने डेफिनेशन क्या बोला था डेफिनेशन में कि अकाउंटिंग इज इन सिस्टमेटिक प्रोसेस। अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है इन द प्रोसेस ऑफ, फिर मैंने आपको प्रोसेस बताया था उसके बारे में, 5-6 पॉइंट्स मैंने बताए थे जो मैंने बोला था। इमर्सिस से आप याद रख सकती हैं शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, वीडियो नहीं देखी हो तो देखना जरूर, क्योंकि वो अकाउंटिंग के डेफिनेशन आपको पूरा लगभग पूरा चैप्टर आपको क्लियर करवा देगा। ठीक है ना, आफ्टर दैट आप करेक्टर टेक्स्ट देखिए उसके। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, कोई भी अकाउंटिंग होगा उसमें ध्यान से समझना इसको उसको पूरा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। आप भी समझ सकते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या फिर कोई इवेंट्स हो सकता है बिजनेस में। तो कोई भी, जब एक पार्टी कोई गुड्स सामान खरीदेगा तो दूसरी पार्टी सामान बेचेगी या खरीदेगी। ठीक है, तो खरीदना और बेचना, सेल एंड परचेज का जो भी बोल सकते हैं एक्टिविटी होती है उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो जब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, आफ्टर डेट हम उसको रिकॉर्ड करेंगे जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ। सही बात नहीं है, देखो जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसके बाद हम उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब देखिए सिंपल स्टेट यहाँ पे दे रखा है, बुक्स कौन कौन से प्रकार के हो सकते हैं आपके बुक्स हैं आपके। देखो एक तो कैश बुक हो सकता है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल एंड जनरल प्रॉपर। इनमें आप अपनी जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको आप इसमें सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। वी कैन से डेट इन अनदर वर्ड्स, ये एक तरीके से आपके अकाउंट है आपके। ठीक है ना, ये अकाउंट्स हैं, खाता है जिसमें आपको इनको रिकॉर्ड करना है। आफ्टर डेट ये आ जाता है आपके लास्ट में, ये क्लासीफाइंग आ जाता है। ठीक है ना, ये इनको क्लासीफाई करना होता है फिर हमको। तो हम इनको क्या करते हैं, क्लासीफिकेशन करते हैं, हमको ये बांटना होता है क्लासीफिकेशन में कि कौन सा चीज़ किस में आएगा। देखो पर्टिकुलर हेड के ऊपर, जैसे लेजर है, लेजर आप अभी नहीं समझेंगे, जब आगे और जैसे चैप्टर्स में आगे चलते जाएंगे वो आपको समझ में आता जाएगा। बट बता देता हूँ, जैसे ही आप एंट्री करते थे कि किसी भी व्यक्ति का एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाना ही लेजर कहलाता है। जैसे पर्टिकुलर, जैसे हमने ले लिया राम अकाउंट, राम्स अकाउंट, मशीनरीज अकाउंट, तो जिसका पर्टिकुलर आया, देखो राम का अकाउंट, परचेज अकाउंट, गुड्स अकाउंट, गुड्स में भी जिसका भी नाम होगा, जो भी गुड्स होगा उसका नाम आ जाएगा। तो पर्टिकुलर अकाउंट एक बनाया जाता है उसके नाम से, दैट्स कॉल्ड क्लासीफाइंग, दैट्स कॉल्ड लेजर। ठीक है, आगे जब आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, जनरल बुक्स में आपने रिकॉर्ड कर लिया, आफ्टर दैट वी कैन समराइज इट। समराइज कैसे करते हैं, ये सब करने के बाद हम उसको एक अकाउंट बनाते हैं। जैसे इनको होता है ट्रायल बैलेंस, जो भी आपके बिजनेस में ट्रांजेक्शन हुआ उसको एक ही अकाउंट में समराइज करके रख देते हैं। ट्रायल बैलेंस, आफ्टर डेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आफ्टर डेट बैलेंस शीट। ये तीनों सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर्स एक तरीके से देखेंगे, तो 11th में इनको हम करेंगे। ठीक है, आफ्टर डेट यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका, देखिए समराइज हो गया। समराइज होने के बाद एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन, हम एनालाइज और इंटरप्रिटेशन आसानी से कर सकते हैं। एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब हो जाता है कि हम उसको अच्छे से जान सकते हैं, उसके एक मीनिंगफुल आंसर निकलेगा हमारा। ठीक है ना, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कौन, अकाउंटिंग। क्योंकि जब आपने समराइज कर दिया इस सिस्टमेटिक तरीके से, अभी तक का प्रोसेस है पूरा सिस्टमेटिक है, तो उसको एनालाइज करने में काफ़ी आसानी होगी, ईजी टू एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है ना, और आफ्टर दैट सबसे लास्ट प्रोसेस आता है आपका कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। इफ यू आर डूइंग सिस्टमेटिक वे टू अकाउंटिंग, देन यू कैन ईजीली कम्युनिकेट विद द यूजर्स। आप यदि आपने सिस्टमेटिक तरीके से एक्टिविटीज़ को फॉलो किया है, सिस्टमेटिक तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो आप कम्युनिकेट विच मीन्स आप बातचीत कर सकते हैं यूजर्स के साथ। अब यूजर्स ऑफ कौन होते हैं यूजर्स, ये हम आने वाली वीडियोज़ में
पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो यूज़ करेगा इसको, जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने वाला है, वो एक तरीके से वो यूज़र्स है, समझिए। तो वो यूज़र्स के साथ हम इसको इजीली तरीके से फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल कम्युनिकेशन के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये अकाउंटिंग प्रोसेस है। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और आने वाली वीडियोज़ में और ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग लेने के लिए आप हमें कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।